दो बूंद जिंदगी की। काश दो बूंद की कीमत नीरज के परिवार वाले 25 साल पहले जान पाते तो आज नीरज अपनी जिंदगी को भरपूर जी पाता। बचपन में अगर मुझे समय पर पोलियो ड्रॉप्स पिला दी गई होती तो आज मैं शायद लिएंडर पेस, महेश भूपति, रॉजर फेडरर, नडाल के साथ लॉन टेनिस खेल रहा होता। लेकिन नीरज ने 25 साल पहले हुई इस गलती को अपनी जिंदगी की कोई मजबूरी नहीं बनाई। जब अपनी तकदीर खुद लिखने की बारी आई तो नीरज ने अपने सपनों में रंग भर दिए। हिंदुस्तान के व्हीलचेयर लॉन टेनिस के टॉप प्लेयर्स में गिने जाने वाले नीरज ने अपनी डिसेबिलिटी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज नीरज ने देश का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही देश के लिए कई मेडल्स और ट्रॉफीज भी हासिल की है। मैं इंडिया का टॉप 3 प्लेयर में मेरा नाम है लॉन टेनिस में। सेकंड पोजीशन मेरी लॉन टेनिस में डबल्स में है। मैं अभी एशियन गेम में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा नंबर 1 रैंक आए। नीरज की कामयाबी के पीछे उनकी कई सालों की मेहनत छिपी हुई है। नीरज ने अपनी लगन और हिम्मत से हर मुश्किल को आसान कर दिया और एक दिन ऐसा आया जब नीरज को लगा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे कीमती पल है, जब उन्हें अपनी जिंदगी का पहला मेडल मिला और नीरज को अपनी मंजिल साफ साफ दिखाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, अपना सारा का सारा एम मैंने टेनिस पर लगाया। टेनिस पर लगाने के बाद 5 साल मैंने लॉन टेनिस की प्रैक्टिस करी। मेरा पहला टूर्नामेंट लुधियाना में था, जो कि मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं व्हीलचेयर लॉन टेनिस पे अपना मैच, पहला मैच खेलने जा रहा था। उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। फिर उसके बाद जो मेरा सुनहरी पल था मलेशिया ओपन, वो मैंने अचीव करा, उसमें मेरी सेकेंड पोजिशन आई। बस उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। नीरज के लिए टेनिस खेलना, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि नीरज जब 7 महीने के थे उन्हें पोलियो हो गया। लेकिन नीरज ने कभी भी हार नहीं मानी। जब मैं 7 महीने का था तब मुझे बचपन में पोलियो हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ प्रॉब्लम, व्हीलचेयर पे मुझे प्रॉब्लम होती थी। कभी स्कूल की सीढ़ियों पे मैं नहीं चढ़ पाता था, तो मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करके मुझे अपनी मेरे क्लास रूम तक लेके गए, मेरा साथ दिया। बचपन से ही मेरा मानना, मेरा ये एम था कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो कुछ ज़रूर करूँगा। बचपन से लेकर आज तक नीरज ने कई तकलीफों का सामना किया, लेकिन नीरज की हिम्मत और हौसले के आगे वो सभी तकलीफें हार गई। आज नीरज अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे नीरज नहीं कर सकते। वो आने वाले हर पल के साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं। जो नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाए, ये कर पाया है। और इसको देख के पास पड़ोस के सब लोग इस पे मतलब अच्छा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे गांव में ये एक ही बच्चा है ऐसा, और ये इतना अच्छा खेलता है और हर जगह ये अकेला ही जाता है, हम कभी इसके साथ नहीं गए। तो अपना सारा काम ये खुद करता है, किसी पे डिपेंड नहीं है कि भाई हम इसके काम करें, ये सारे काम अपने खुद करता है। मैं जब नीरज को गाड़ी स्कूटर ये चलाता है तो इसको चलाते हुए देखती हूँ तो काफ़ी मुझे अच्छा महसूस होता है। और मुझे लेकर ज़्यादातर मार्केट वगैरह में कहीं जाना हो तो यही लेके जाता है। नीरज की जिंदगी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से बिल्कुल बदल गई। आज नीरज सबको एक ही बात कहना चाहते हैं। बचपन में अगर मुझे समय पर पोलियो ड्रॉप्स पिला दी गई होती तो जो पोजीशन आज मेरी भारत में नंबर 3 पर है, वो शायद वर्ल्ड में नंबर 3 पर होती। मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को समय पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। जो 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 चीज़ें मैंने सही हैं वो आपके बच्चे ना सही। तो अगर आपने भी वो गलती की है, दो बूंद की कीमत अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। ये दो बूंद जिंदगी की हैं।